परदेश जा रहा है तो कोई दोस्त बोलता है क्या कि कोई दोस्त बोले फला चीज लाना, कोई दोस्त बोले कलर टीवी लाना, मगर माँ ये बोले, देखिए माँ क्या चीज है, कहना है मगर माँ ये बोले कि कुछ भी ना लाए मेरा लाल मेरे ही घर लौट आए, मेरा घर मेरे ही घर लौट आ जा लौट आए, इसलिए कहना है कि जब भी परदेश में तबीयत मेरी घबराई है। देखिए मेरे भाई ये जो कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ मुलाजा फरमाए, कहना है कि जब भी परदेश में तबीयत मेरी घबराई है, पैसा नहीं चाहिए लेकिन बात अगर अच्छी लगे तो बस सुभान अल्लाह पढ़िएगा, तवज्जो जाऊंगा मेरे भाई, कहना है जब भी परदेश में तबीयत मेरी घबराई है, जब भी परदेश में तबीयत मेरी घबराई है, तेरी याद खिलौने ला देना, तो नहीं जाऊंगा मेरे भाई, भाई बहन रोए तो रोने देना और साला साली रोए तो खिलौने ला देना, माँ तो पूरी है चटाई में भी सो लेगी, सास और ससुर आए तो मखमल के बिछोने देना, सास और ससुर आए तो मखमल के बिछोने देना जी बेशक, लेकिन अपने बाप से बदकलाम करते हैं, देखिए ये कलाम पहली बार कर रहा हूँ तो नहीं जाऊंगा, अपने बाप से ससुर का एहतराम करते हैं जी, लेकिन माँ को देते हैं गाली और सास को सलाम करते हैं, मगर सास को सलाम करते हैं मेरे भाई, समझ जाऊंगा जब भी परदेश में तबीयत मेरी घबराई है, कितने लोग हैं जरा सा हाथ उठा के सबूत दे, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह पाक आप लोगों को माँ के वसीले से जन्नत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन, शेर सुनिएगा, कहना है पहला शेर मुलाजा फरमाए, कहना है जी जो
शेर सुनिएगा, कहना है मर्तबा माँ का मोहम्मद ने बताया हमको और खिदमत का सलीका भी सिखाया हमको। अच्छा लग रहा है ना, समझ ही जाऊंगा। कहना है मर्तबा माँ का मोहम्मद ने बताया हमको और खिदमत का सलीका भी सिखाया हमको। बाप के नाम से हर चीज न सहारा होगा, माँ के ही नाम से महशर में पुकारा होगा। अब के जाने से भैया देखिए, अगर नाम बोलने में कोई गलती हो जाए तो दोबारा पैसा देकर सही करा लीजिएगा मेरे भाई। देखिए सुनने में डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए हमारे एडवाइजर के जाने से ये माँ का प्यारा बेटा बात सुनकर 10 रुपये दिए हैं अल्लाह पाक नबी के सदके में, उनको हर बला मुसीबत से दूर रखे आमीन सुम्मा आमीन। तवज्जो चाहूंगा, मर्तबा माँ का मोहम्मद ने बताया हमको और खिदमत का सलीका भी सिखाया हमको। सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता, सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता। लेकिन कहना है कि सूरज की तरह हर रोज तपता और जलता हूँ। तो जी जाऊंगा मेरे भाई, सिर सुनिएगा। मर्तबा माँ का मोहम्मद ने बताया हमको और खिदमत का सलीका भी सिखाया हमको। ये हमारे बल्लू भाई, ये भी माँ के जाने वाले हैं। अल्लाह पाक इनको हर बला मुसीबत से दूर रखे और इनके माँ बाप को भी हर बला मुसीबत से बचा के रखे आमीन सुम्मा आमीन। उनके जाने से 51 रुपये मिले हैं, शुक्रिया। देखिए अगर ये सब कलाम हम लोग बंगाल में गाते तो बहुत नजराना मिलता। देखिए खास करके हमारे बंगाल में अगर माँ का नाम लिया जाए तो वो स्टेज में महफिल में सब कोई झूमता है। देखिए माँ के जाने वाले सबसे बड़ी बड़ी चीज है माँ, माँ से कोई कोई बड़ी चीज नहीं है। मलाजा फरमाए, कहना है मर्तबा माँ का मोहम्मद ने बताया हमको और खिदमत का सलीका भी सिखाया हमको। उनके जाने से 51 रुपये मिले हैं, शुक्रिया। और उनका भी यही कहना है क्या, बाप के नाम से हर चीज न सहारा होगा, माँ के ही नाम से मैं सर में पुकारा होगा।
चलता हूँ। सफर में रोजी रोटी के लिए जिस वक्त मैं चलता हूँ, कोई तूफान घेर ले ना घेरे, इसलिए वाही मैं अपनी माँ का चेहरा देखकर घर से निकलता हूँ। मैं अपनी माँ का चेहरा देखकर घर से निकलता हूँ, इसलिए कहना है कि चुपके तन्हाइयों में रोने की जरूरत क्या है मेरे भाई, चुपके तन्हाइयों में रोने की जरूरत क्या है। अब समझ में आई ये मोहब्बत क्या है, बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा जो अपने माँ से पूछे कि तेरी दूध की कीमत क्या है, जो अपने माँ से पूछे कि तेरी दूध की कीमत क्या है। जी, जी, जी। लेकिन आज का इंसान अपने बीबी को खफा ना कर सका, बेशक खफा ना कर सका, आज का इंसान अपने बीबी को खफा ना कर सका, अरे माँ तरपती रह गई वफा ना कर सका, वो खुदा का हक अदा कैसे करे सभी भला जो अपनी माँ की दूध का हक अदा ना कर सका, जो अपनी माँ की दूध का हक अदा कर ना सका। लीजिए दूसरी बात पर भला ज़ा फरमाए, कहना है खुशी से दिए हैं, ये सभी ने मिलकर बहुत सारे रुपए दिए हैं कि डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम, निशार आलम, नासिर आलम और अबेद साहब, ये माँ की याद में माँ की खुशी में इन्होंने बहुत सारे पैसों से नवाजे हैं। हम लोग पूरे पार्टी शुक्रिया अदा करते हैं और ये माँ की दुआओं से इनकी हर दिली मुराद पूरी हो, जन्नत अदा करे, आमीन आमीन सुबामीन। ये हमारे अजमत भाई आपकी जानिब से 20 रुपए मिले हैं, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी माँ के वसीले से हर बला मुसीबत से दूर रखे, आमीन सुबामीन। सुनिएगा
इसके बाद ये गजल सुनाऊंगा जी, सुनाएंगे जरूर सुनाएंगे। कहना है है दरवाजा, बाप है जन्नत
हदीसों में कि माँ है जन्नत तो बाप है दरवाजा, माँ है जन्नत तो बाप है दरवाजा, लेकिन अनार के दाने खुद ही छाटते हैं। अनार के दाने खुद ही छाटते हैं। अरे जेब में बेटे का पैसा नहीं मगर फुटानी खूब छाटते हैं। अनार के दाने खुद ही छाटते हैं और जेब में पैसा नहीं बेटा खूब फुटानी छाटते हैं। अरे जिस बेटे को चाहिए माँ बाप की खिदमत करना, जिस बेटे को चाहिए माँ बाप की खिदमत करना, क्योंकि माँ आजकल बेटे के लिए बहुत तड़पता है। बेटा अगर परदेश में रहता है तो वो हर वक्त अल्लाह से दुआ करता है कि मेरा बेटा सही सलामत वापस आए। लेकिन आजकल के बेटा क्या करते हैं और ये शायर क्या लिखते हैं कि अनार के दाने खुद ही छाटते हैं। अरे जेब में बेटा का पैसा नहीं वो फुटानी छाटते हैं। अरे जिसको चाहिए माँ बाप को खिदमत करना, अरे वो बेटा आजकल बीवी के तलवे चाटते हैं। से दूर रखे आमीन सुम्मा आमीन। लीजिए कहना है, ओ मेरी माँ क्या तूने मेरे ही लिए लोगों की बातें भी सुनी, नो महीने मुझे फिर गोद में रखा तूने, नो महीने मुझे उन्होंने ये कलाम लिखा है और ये कलाम जो है यूट्यूब में भी मिलेगा। तवज्जो जानकर सिर्फ सुनिएगा, कहना है भूल कर भी न कभी दिल को दुखाया ये नसीब, माँ से पढ़कर
बारिश नहीं होगी तेरी। याद